TVN 24 न्यूज़ की तरफ से मैं संजय खान में काटोल से आपका स्वागत करता हूं। इस साल दर साल के समान इस साल इस जगह पे बैलों का बहुत अच्छा सा मेला लगता था, लेकिन इस साल लॉकडाउन लंबा चलने के वजह से इस साल मेले की जगह अपनी सुनसान है। इसलिए किसान भाइयों को और अपने नंदी बैलों को भी बहुत अच्छा सा दुखदायक ऐसी बात है, इसलिए मैं इनकी राजा लोगो रे लोगो राजा के संग संग झुमलो झुमलो आया है राजा लोगो रे लोगो राजा के संग संग झुमलो झुमलो शेरों का मैं हूँ शेर यारो अरे कोई ना मुझसा दलेर प्यारो शेरों का मैं हूँ शेर यारो अरे कोई ना मुझसा दलेर प्यारो के सच सच कहता मैं डट के रहता मैं आया है राजा लोगो रे लोगो राजा के संग संग झुमलो झुमलो। पुराना जो मेला लगता था बैलों का, वहाँ की जगह अपन अभी कैसी वीरान जैसी लग रही है, तो मैं किसान भाइयों से थोड़ी चर्चा करना चाहता हूँ। देखिए, मैं अपने मराठ सरकार को बताना चाहता हूँ कि ये रोड से अब दर साल पोला भरता है और पोला ये हिसाब से भरता है कि हम खेती जोतते हैं तो खेती में बैल के माध्यम से हम खेती करते हैं तो बैल के माध्यम से हमको कुछ फसल होती, वो फसल के माध्यम से आपसे TNN 24 न्यूज चैनल की विनती है कि आप अपने घरों में रहे और बाहर ना निकले। भारत की सड़कें सुनसान नजर आ रही है, फिर कल कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा, इन सड़कों को दोबारा आबाद कर दिया जाएगा। कोरोना वायरस एक जानलेवा बीमारी है, आप भी स्वस्थ रहें और अपने परिवार को भी स्वस्थ रखें। आपसे विनती है कि आप अपने घरों में रहे, घरों से बाहर ना निकले। TNN 24 न्यूज की ओर से जनहित में जारी, आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। जैसे हम 12 महीने में एक त्यौहार मानते बैल का, तो वो बैल के लिए हम कुछ खाना वाना बनाते, जैसे मेहमान के लिए अपन खाना बनाते वो टाइप का हम बैल के लिए खाना वाना बनाते और पूजा पाती करके उनको घर में हम पूजा पाती करके खाना खिलाते। मगर ये साल में सरकार ने हमको आदेश दिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट में कि पोला भरने का नहीं, तो वो उनका ख्याल रख के हमने पोला भरा है नहीं जी। मधुकर जी भाई, ये सामाजिक कार्यकर्ता है अपने ग्राम के है, ये आपसे दो शब्द कहना चाहते हैं। माझं असं सरकारला म्हणणं होतं की आपण हा आपला भारत देश हा कृषीप्रधान आहे आणि या कृषीप्रधान देशामध्ये शेतकऱ्यांचा खरा दैवत म्हणजे हा बैल आहे आणि बैलाचा आज म्हणजे जो सण आहे बैलाचा, आज बैलाची पूजा केली जाते आणि त्यामुळे हा पोळा एक कास्तकाराचा हा सण एक फार महत्त्वाचा राहतो। हा सण नसल्यामुळे आज पोळा भरल्या नसल्यामुळे असं वाटतं की पोळा नसून बी आहे, नसल्यासारखा वाटतो। सरकारने असं काही नाही याच्यामध्ये राहिलं, असं खेड्याविवाहामध्ये असं कोरोनाचं काही हे नव्हतं प्रादुर्भाव, असं घरोघरी आपल्या कास्तकाराने आपल्या घरोघरी तोरणं बांधून हे केलं आहे। नंदी को आमंत्रण देना पडता है, आमंत्रण दे के उनको जरा सा वो रोटी पानी खिला करके उनको भाई आज आपको आवतन है, कल रोटी खाने को आना, ऐसा करके हम पहले किसान लोग सब पोले के दिन मनाते थे और पोले के दिन सब सही से उनको अपना चौक वगैरह पूर करके उनकी घर के लोगों के हाथ से पूजा पाती कुंकू वगैरह सब लगा करके पूजा करते थे। उस साल से चल रहा था, लेकिन ये लॉकडाउन की वजह से आज हमारे यहाँ खाली हमने सब घर घर के ऊपर अपने बैल लोगों को पूजा किया, सब किया और वो पोले का कार्यक्रम समाप्त। अपने घरों में ही किसान भाइयों ने अपना पोला मनाया, ये दो बैल बहुत अच्छे से सजावट किया है, इनकी बहुत अच्छे से सजावट किया है, इनको यहाँ पे नैवेद्य दिया और दर साल के हिसाब से उन्होंने पोला अपने घरों में मनाया। किसान भाइयों की कुछ थोड़ी व्यथा सुनेंगे अपन, तो थोड़ी मैं उनसे चर्चा करना चाहता हूँ, भैंसवार इनसे अपन थोड़ी चर्चा करेंगे। समय के लिए इस साल पूरा
नहीं भरना चाहे तोरण ओरन कुछ नहीं हो, पुलिस पटेल भी नहीं था, इसलिए वो क्या है कि कोरोना की तबियत बीमारी की इससे कुछ कर नहीं पाए, तो इसलिए घर में तोरण ओरन बांध के अपनी सजावट की, बैल वैल की, और यहाँ पूजा पाठ किए। इससे ईश्वर जी ने अपने को दो शब्द बताए थोड़े इसमें, तो बहुत अच्छे से समझा दिया उन्होंने कि कोरोना की वजह से, लॉकडाउन लंबा चलने के वजह से, तो पोला अपने अपने घरों में मनाया है, तो इसी में हम खुश है, ऐसा उनका कहना है। तो बने रहिए TNN 24 न्यूज की तरफ। संजय खानवे कैमरामैन, ललित खानवे उनके साथ में।